नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं रैम सिल्वेटर का ये गेम। जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे एक दादाजी थे जिन्होंने हमारे लिए फार्म छोड़ के गए थे। ये रैंच हमारे लिए उन्होंने विरासत में छोड़ा है। अब उन्होंने लिख के हमको ये दे दिया कि भाई अब ये देखो, ये हमारा रैंच है, तुम लोग संभालो। तुम लोग क्या, मुझे ही संभालना है, मैं इकलौता हूँ उनका वारिस। तो अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग ने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा था, कृपया करके पिछला एपिसोड हमारा ये देख लीजिएगा। उसमें मैंने इसमें अपने मुर्गी के फार्म जो हमने बना के रखा है, पोल्ट्री फार्म, और सामने जो अपने पिग फार्म बनाया है, दोनों का हमने यहाँ पे उसको किस तरह से बनाया इसका मैंने पूरी डिटेल दी है। प्लीज़ जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं और जो नए हैं दोनों को मिल के लाइक ठोक देना है। लाइक बटन को एकदम से आप नीला कर दीजिए, ठीक है? और अगर ब्लैक स्क्रीन लगा के रखी है तो वाइट करिए, मुझे नहीं मालूम, उसको ठोक के आपको लाइक करना ही करना है। चाहे ब्लू करिए, ब्लैक करिए, वाइट कीजिए, मुझे नहीं मालूम, ठीक है? चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमने अभी एक वेल बनाया है जिसे पानी की हमारी कमी जो है वो बार बार हो रही थी। हमको एक टैंक खरीद खरीद के लाने पड़ रहे थे जिसमें हमारा काफ़ी खर्चा हो रहा था, तो अब हम उसके लिए, अरे यार ठुक जा रही है गाड़ी। एक तो इसका एक्सीलेटर इतना ख़तरनाक है, मैं आपको क्या बताएं। चलिए यहाँ थोड़ा बेच लें, अंडे लेके आए हैं हम लोग, मुर्गी ने हमारे अंडे दिए हैं। क्या रेट है, चलो भाई ऐसा कोई रेट तो नहीं मिल रहा है। हाँ तो हम लोग आपसे बता रहे थे, एक मिनट, जो हमने हिरन मारा उसका वाइल्ड मीट है और 11 अंडे हैं, दोनों को बेच देना पे। चलिए ठीक है। हाँ हमने वेल बनाया, मतलब कुआं एक बनाया है, कुआं खोदा है जिससे पानी की हमारी जो किल्लत है उसको दूर कर सके। तो अब उसके लिए हमें कंक्रीट चाहिए। कंक्रीट मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है? चलिए चलते हैं। अब कंक्रीट लेंगे और अपना वेल जो है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें बार बार टैंक खरीद के लाने पड़ रहे थे पानी के लिए। चलिए, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, मेन रोड पे ये बना हुआ है मगर घूम के जाने का एक रास्ता इन्होंने दिया है। एक तो यार बड़ी गाड़ी का इसका एक्सीलेटर, हमारे दादाजी की पुरानी गाड़ी है मगर चलती बहुत बढ़िया है ये। रुक जाओ, आ गए हैं। कंक्रीट लेके चलते हैं, लकड़ी का तो इंतजाम हो जाता मगर ये सब हमें खरीदना पड़ता है। कितना चाहिए हमें, अरे किधर गया यार, अरे खो जाता है मेरा कुआं। हाँ ये ठीक ठीक ठीक, यानी हो जाएगा आराम से। चलो चल भाई खरीद ले। पचास, ठीक है, एक 50 KG अलग हिरते, इसमें ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा। वो 20 ही तो चाहिए वैसे, फिर भी चलो ठीक है। 336 20 KG चाहिए, 20 KG होता है, 20 KG लेके चलते हैं। इस कुआं बनाए उसके बाद आगे का देखा जाएगा, बक अभी सब कुछ नहीं करेंगे, ढेर सारा खरीदने कोई मतलब है नहीं वैसे ना। चलो यही लेके चलते हैं, इसको तो रख दो पहले, इसको भी रख दो सेट करके, एक के ऊपर एक रख दे, जगह बन जाए, उसके बाद बोरे रखे जाए कंक्रीट के। कंक्रीट है हमारे पास, चल भाई सेट हो जा, ये जल्दी सेट हो भाई, कहाँ भागा जा रहा, अरे हल्का सा।
चल भाई, कंक्रीट बैग भी रख दिया हमने, एक एक करके सारे रख दे रहे, सारे एक एक करके रख दिए। हाँ तो ये हो गया कंप्लीट। चलो चला जा। तो ड्राइविंग इतनी बढ़िया है हमारी, हैवी ड्राइवर हैं हम। थोड़ा जनरल स्टोर से यहाँ से थोड़ा सा खाना ले ले, वेट थोड़ा कम हो गया है, वेट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला मुर्गियाँ और जान सुअर दोनों मर गए। थोड़ा वेट खरीद लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये हो गया भाई, सारा रख दिया, सारे बीट रख दिए हमने। ज़रूरी था, एक पानी का टैंक भी हमने ले लिया है, क्योंकि भाई अभी कुआं हमने बनाया ही है, तो फिर भी चलो टैंक ले ही चले, है ना। चलो चल भाई, चल दे अब हम लोग जल्दी से कुआं अपना कंप्लीट करेंगे। कहाँ गया, ये रहा हमारा गार्डियन रैंच, हमारा गार्डियन, प्यारा गार्डियन रैंच हमारा, आपका सबका प्यारा। प्लीज़ अभी तक जो लोग भी बने हो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक बहुत मेरे लिए काम करता है आपका। और जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग देख तो लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास अगर कोई अगली वीडियो आती है तो उसकी मिल जाए आपको। ठीक है, इसको उठा के पहले वीट हम रख दे किनारे। चलो भाई तुम भी आओ साइडी में। चलिए अब अपना वेल कंप्लीट करते हैं, जल्दी से वेल कंप्लीट कर ले। जा भाई, पटरे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसमें सिर्फ कंक्रीट बचा था, कंक्रीट लगा लेते हैं। लग गया, तुम भी जाओ लास्ट 5 किलो और बस कंप्लीट हो गया भाई। वेल बन गई अपनी वेल, अब पानी कोई दिक्कत नहीं, जितना पानी उतना निकालेंगे, नहाएंगे, इसी में डूब जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर अब पानी की कोई दिक्कत नहीं, बार बार पानी की ज़रूरत पड़ रही थी। अब जल्दी से बाल्टी भर ली जाए, देख जल्दी से भाई बाल्टी भर के इसका एक डैमो ले लेते हैं, डैमो लेना बहुत ज़रूरी है। ये इसका लीवर घुमाना है, लीवर बड़ा माउस को सेट करके फिर घुमाना पड़ रहा है। रुक जाइए, ये सेट हो जाएगा। लीवर जिस तरफ मूव कर रहा है मुझे उस तरफ ही माउस को मतलब थोड़ा सेट करना पड़ रहा है, मतलब ये नहीं कि आपने बस बटन दबाया और पानी ऊपर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रेंच सिमुलेटर है, सिमुलेटर गेम का मतलब ही यही होता है, आप उस फील को जियोगे खुद से। ठीक है, आ गया ना, बाल्टी पूरी ऊपर आ गई। हाँ ठीक है, छोड़ दे भाई लीवर, हो गया लीवर, छोड़ दो भाई। ठीक ठीक ठीक, अब ये रहा बाल्टी अपनी। चल भाई, और चलिए इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपना बार्न हाउस बनाएंगे, जिसमें इन जानवर जो बेचारे खुले हुए हैं इनको उनके अंदर पालेंगे, बार्न हाउस के अंदर। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, उसमें बार्न हाउस बनाते हैं आप लोग के साथ मिलके। बाकी तब तक मैं लकड़ियाँ काट लेता हूँ, सामने जो इतने पेड़ वेड़ लगे हुए हैं जगह बनाता हूँ उनके लिए। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो लोग नए हों, और शेयर अपने फ्रेंड्स में कर दीजिए जिनको गेम्स पसंद है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।